Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ला, अब कौन मार रहे? तू ना? अरे हाँ, अब मैं मारूंगा क्या? तू इधर आ, तू इधर आ. यार जोर से लगी रे, मैं जाके आता हूं. अयो क्या हुआ? झगड़ा हुआ? देख मेरा बेटे को क्या हो गया. तेरा बेटा किधर है? अभी छोड़ेगी नहीं मैं उसको. ए क्या रे, क्या किया तू? बोल बोल, तेरी माँ को बहुत शाना समझता तो. अन्ना छोड़ उसको. छोड़, ज्यादा समझता तो. बच्चे ये राक्षस है, राक्षस. देख मेरे बहुत डर लगी है, मेरे खून निकल रहा है. अगर मेरी अम्मा ने देखा तो बहुत मारेंगे. मेरे को एक दवाई पता है, लगाएगा क्या? लेकिन उसे दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं होगा. रुक, मैं दवाई लेके आया. ना गया, अब क्या करता तू? हाँ देख, अभी किसी के बच्चे के साथ है ना, कोई तमाशा मत करना, कोई मस्ती नहीं. हाँ पहले से ही तेरे वजह से बहुत गाली खाया मैं, अब और नहीं सुनेगा, समझे ना तू? अब इसके आगे कुछ बदमाशी नहीं करना तू. दिन भर इधर उधर इसके साथ ये वो, कितना सुनेगी रे मैं? तेरे बाप को पता चलेगा ना तो छोड़ के आएगा किधर? मैं तेरे से बात कर रही. नागया, अरे किधर गया नागया? अब इसे लगा दे, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा. लगा दे. पाउडर लगा है, जलन तो होगी ना. देख मेरा बेटे को, आत्मा के ऊपर कैसा मिर्ची डाला, ये राक्षस है. क्या किया रे तू? तू तेरे माँ बाप के बस में नहीं रहे, तेरे को देगा. अन्ना ये तो बच्चा रहे, तू अपने को देख, वापस मेरे बच्चों को हाथ भी लगाना टांग तोड़ देगा तेरे. अरे तोड़ के तो दिखा रहे, तेरा चौकरा मेरे चौकरे को किया क्या? देखे रे आ? अभी तो तेरा लड़का मेरे एरिया में दिख नहीं, कल जलेगा ना. ए, क्या आराम कर रहे हैं तुम लोग? पैर में जान नहीं है क्या? कछुए की चाल मेरे साथ नहीं चलेगा. ये पीओपी उठा और दूसरी मंजिल तैयार कर, जा. काम चोर कहीं के. सिट सिट, ये देखो क्या है? क्या है ये देखो?
मैं इसको नहीं छोड़ेगा, मैं इसको नहीं छोड़ेगी। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैडम साहब मैं हूँ। सबको बोलो जगह खाली करें। ये चलो हटो, तो हटो यहाँ से, हटो 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 यहाँ से, चलो 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 अपने घर में जाओ, जाओ जाओ जाओ, हटो चलो हटो यहाँ से। मैडम सर पर पत्थर डालने से सर कुचला गया है और इसी वजह से इसकी मौत हो गई। भारी पत्थर या फिर उसी तरह की किसी चीज से वार हुआ है राणे? लेकिन इतनी भारी चीज से बच्चे के सर पे वार हुआ, बच्चा चीखा तो होगा, किसी ने सुना नहीं क्या? मैडम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद इसकी आवाज में इसकी चीख दब गई होगी। इसकी बॉडी कहाँ मिली? उस तरफ मैडम साहब। चलो दिखाओ। आई अम्मा तेरे को तो सब दिखता ना अम्मा, अम्मा बता मेरे वेलू को कौन मारा? अम्मा दिखा, सब दिखा, देवी माँ से नजरे से कोई नहीं बच सकता, सजा होगी, सजा होगी उसको। अम्मा उसका नाम बता, अम्मा कौन है वो नाग्या, नाग्या है। तू बच के रहना, तेरे तेरे बच्चे में उसकी नजर है। तू कुछ भी बोल रही है, नाग्या अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और तू काय को उसका नाम लेके खाली फुकट उसको बदनाम कर रही है? देवी माँ झूठ नहीं बोलती, रुक देगी, तेरे बच्चे को मार देगा वो, उसके बच्चे को नहीं, सब बच्चे को मार देगा। सब बच्चे को काटेगा। डूबने से नहीं, वेलू की तरह सर पर वार करने से हुई है। हाँ मैडम, और बाद में बॉडी को इस पानी के टंकी में फेंक दिया ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके मैडम। राणी इस बात के दो मतलब निकलते हैं, एक वो अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला बाकी बच्चों से ले रहा है और दूसरा वो इनोसेंट है। लेकिन मैडम ये बात भी तो सच है कि खून होने से पहले चंद्रा और वेलू का उसके साथ झगड़ा हुआ था। मिर्ची पाउडर लगा है, जलन तो होगी ना। देख मेरा बेटे को, देख ट्रक के ऊपर कैसा मिर्ची डाला, ये राक्षस है। अपने आपा बाहर, मम्मा मस्ती मत कर दे। अरे अपने आपा बाहर, बचा। ए सिद्धप्पा, तेरा नागे ने मेरे बेटे को पानी में फेंका था, मालूम तेरे को? रानी ये भी हो सकता है कि साइट पे ऐसा कोई इंसान है जो नागा के साथ हुई घटना का फायदा उठा रहा है। हो सकता है। मैडम कहीं ये काले जादू का तो चक्कर नहीं है, क्योंकि इस क्लास के लोग हमेशा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी तरह से निकालते हैं। नहीं रानी मुझे नहीं लगता है। बाय द वे प्रोजेक्ट का बिल्डर कौन है? मैडम मैंने उसकी भी इंक्वायरी की, वो पिछले 9 महीने से लंदन में है, वहाँ उसके कैंसर का इलाज चल रहा है।
मैडम ये इनकी बेटी है। ये लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर जिस तरह से बच्चे मारे गए इसे भी ठीक उसी तरह से मारा गया है। 24 घंटे हमारे आदमी यहाँ पर है फिर भी खून होता है। सो रहे थे क्या सबके सब? सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ इसका। ओके मैम। फॉरवर्ड करो। ये फिर से प्ले करो रानी। ये लड़की उसी डायरेक्शन में क्यों गई? क्या किसी ने उसको वहां से आवाज लगाई थी या फिर उसने कुछ देखा? रणे काम करो, वहां के कांस्टेबल से पता लगाओ ना गया उस वक्त कहां था। ओके मैडम। सर ना गया यही था, बीच में कुछ देर के लिए बाहर गया फिर वापस आया। मैडम प्रकाश साहब का कल किसी बच्चे के साथ झगड़ा हुआ था, वहाँ पे जो काम चालू है ना वहाँ पे किसी मजदूर का लड़का है। कौन था वो बच्चा? उस दिन वो मुझे अस्पताल लेके गए, मैंने देखा बेच दिया मेरे को और ये किया मेरे साथ। इसीलिए मैं बड़ों से बात नहीं करता, बच्चे झूठ नहीं बोलते, मैं भी नहीं बोलता। मैंने किसी को नहीं मारा, आपने कहा था ना मैं बताऊंगा तो आप मेरे दोस्तों को बचा लोगे। मेरा एक ही दोस्त बचा है, आप उसे बचा लो। किधर है? ऊपर। चलो राणे। पूरी करती हूं अब, चल। ये तूने किया ये तो पता है हमें, अब ये सब क्यों किया और किस लिए किया ये बता। सच बोलना चालू कर अभी फटाफट, क्यों मारा बच्चों को? अपनी खुशी के लिए, उनको मार के मुझे बहुत सुकून मिलता था। अपने बच्चों की मौत पे अम्मा अप्पा रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था मुझे। इतनी नफरत है ना बच्चों से, तो सुब्बू को क्यों लिया गोद? मुझे चाहिए था कि कोई मुझे अम्मा बोले, मैं कितना समझाई उसको, अम्मा बोल, बोल, अम्मा बोल, लेकिन नहीं बोला। सुब्बू बेटा तू मेरा अच्छा बेटा है ना, मैं तेरी अम्मा है ना, मेरे को अम्मा बोलने का, अम्मा बोल, बोल, अम्मा बोल, बोल। नहीं बोलूंगा, तू मेरी अम्मा नहीं है, चंद्र की अम्मा मेरी अम्मा है। मीनाक्षी है अम्मा, मेरे को तेरे साथ रहना है, तू मेरी अम्मा है, तू मेरी अम्मा है ना। सब करके देखा मैंने लेकिन कुछ नहीं मिला। जब बच्चा अपने अम्मा अप्पा के साथ में खुश रहता था ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं सोची मैं खुश नहीं है तो कोई कैसे खुश रहेगा, इसलिए सब बच्चों को एक एक करते मारती गई मैं।
और ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने? सिर्फ जन्म देने से औरत माँ नहीं बनती है, और तेरे जैसी औरत तो कभी माँ बनी नहीं सकती जो बच्चों को इतनी बेरहमी से मारती हो। अब तो तू सही जगह आ गई है, ये सब सोचने के लिए बहुत टाइम मिलेगा तुझे। माँ बाप, भाई बहन, ये सिर्फ रिश्तों के नाम नहीं है बल्कि एक एहसास है। मीनाक्षी ने भावना को भूल कर सिर्फ नाम पर गौर किया। उसने सुब्बू का प्यार जीतने की कोशिश नहीं की बल्कि हर माँ बाप से बदला लेने निकल पड़ी, और जिसकी कीमत निर्दोष मासूम बच्चों को अपनी जान से चुकानी पड़ी। मीनाक्षी को 3 बच्चों के कत्ल के लिए और शिवनाथ को उसका जुर्म छिपाने के लिए गिरफ्तार किया गया है, और दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। किसी को मजबूर करके कोई रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। जरूरत है सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के भी जज्बात को समझने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।